प्रोडक्ट इज नॉट डिलीवर्ड इन ए कंप्लीट मैनर इफ़ इट इज डिलीवर्ड इन पार्शियल मैनर इन हाफ मैनर नॉट इन ए फुल क्वांटिफाइबल मैनर तब भी सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल बायर के पास फुल राइट टू ब्लेम टू स्यू राइट लास्ट कुछ ऐसी कंडीशंस जो कस्टम और ट्रेड ने इम्पोज की हैं उसने अपनी तरफ से ट्रेड यूजेज किया है या कुछ कस्टमरी राइट्स uh, हैं कि जैसे अगर आप नॉर्मली बिजनेस ट्रेड कर रहे हो तो आपको स्टार्टिंग में जितना टैक्स देना है जितना जीएसटी देना है वो आपको स्टार्टिंग में देना है बिफोर प्रोसेसिंग द गुड्स तो उस केस में अगर सेलर ऐसा नहीं करता है तो सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस तो इन पांचों कंडीशन में सेलर विल बी रिस्पॉन्सिबल नंबर वन बायर हैज ए राइट टू स्यू टू सेलर नंबर टू एंड बायर विल नॉट बी एबल टू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेट दायर बी अवेयर बायर के ऊपर ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं होगा कौन सा रूल रूल ऑफ के वी अटैम्प्टर डॉक्टरिन ऑफ के वी अटैम्प्टर इज इट क्लियर बच एस वेटर ओके सो दिस दिस वी हैव डिस्कस येस्टर डे राइट इनकेस एनीबडी हैविंग एनी डाउट जस्ट लेट मी नो मैम अभी जो रूल्स बताए वो वाला फिर से बता दीजिए हाँ हाँ मैं बता रही हूँ जो लास्ट वाला रूल है डॉक्ट्रिन ऑफ सॉरी कस्टम कंडीशन इम्प्लाइड बाय द कस्टम और ट्रेड यूजेज दैट आल्सो इट हैज बी फॉलोड दैट मींस अगर बायर ने ये बोला कि मेरा तो कस्टम ही ये है कि आई विल एक्सेप्ट ओनली डीडी राइट तो आपको उसको डीडी की ही डीडी से ही पेमेंट करनी है मान लीजिए कोई आ, फाइनेंसिंग जॉब है फाइनेंस का बिजनेस है लोन दे रहा है वो तो लोन देने के टाइम पे उसने क्लियर कर दिया कि आप मुझे डीडी में पेमेंट करेंगे आप मुझे डीडी में वापस इंटरेस्ट करेंगे तो जो कस्टम उसके बिजनेस को एप्लीकेबल है वो अगर ब्रेक करता है सेलर तो बायर के पास पूरा राइट है स्यू करने का बायर ने बोला कि यू सेंड मी द प्रोडक्ट्स बाय बस ओनली तो क्योंकि उसका custom trade क्या है है हो सकता है उसकी फैक्ट्री के पास बस स्टैंड पास में हो तो उसके जो चार्जेस हैं वो कम हो और रेलवे uh, स्टेशन बहुत दूर हो तो जो कस्टम ट्रेड बायर के हैं वो सेलर अगर नहीं फॉलो कर पाता है तो सेलर की रिस्पांसिबिलिटी रहेगी सेलर विल बी स्यूर्ड फॉर इट येस बचे ओके एनी डाउट टू एनी अदर स्टूडेंट नो मैम ओके नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अनपेड सेलर एंड हिज राइट अभी तक हम बायर की बातें कर रहे थे बायर क्या स्टेट कर रहा है बायर के गुड्स कैसे हैं बायर कंडीशंस लगा रहा है या वारंटी लगा रहा है अभी तक हमने जितनी भी बात की हमने बायर को प्रिवलेज पर्सन की तरह से ट्रीट किया कि बायर इज ऑलवेज ऑलवेज कस्टमर इज ऑलवेज अ किंग बायर इज ऑलवेज अ किंग यू कैन हैव नंबर ऑफ एग्जाम्पल्स बट द टॉप एग्जाम्पल इज ऑफ वॉलमार्ट हु दैट बायर इज ऑन द टॉप कस्टमर इज ऑलवेज ऑन द टॉप कस्टमर इज ऑलवेज राइट विद ऑल दीज स्टेटमेंट्स बायर हैज ए

हम कई बार बात करते हैं कि यस ओनरशिप इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड फ्रॉम सेलर टू बायर प्लीज अंडरस्टैंड दिस अब सेलर जो आपको दे रहा है प्लीज अंडरस्टैंड दिस हैंड इज ऑफ सेलर एंड दिस हैंड इज ऑफ बायर चाहे वो प्रोडक्ट है चाहे वो सर्विस है समथिंग इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन हैंड टू अनदर हैंड Look at this picture, which is very, very valid for this PPT. I found it and I chosen it and kept it over here. Ki there is cash and there is a lock. Can can anybody elaborate what this picture is stating? Yes. <coughs> Anyone from you, unmute and say. कुछ आपको लग रहा है आप इसको पिक्चर को देख के क्या इंटरप्रिटेट करोगे बेटा बिकॉज दीज डेज साइको साइकोमेट्रिक टेस्ट आर हैपनिंग एंड एवरी कंपनी रिमेंबर गुड कंपनीज आर कंडक्टिंग दिस टेस्ट बिफोर टेकिंग द कैंडिडेट फॉर द जॉब साइकोमेट्रिक टेस्ट अगर आप